हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और आप लोग का एग्जाम भी आज बहुत ही बढ़िया तरीके से गया होगा। तो गाइज, आज मैं आप लोग को कराऊंगा 8 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, और हमारे पास जितने भी लड़कों का कमेंट आया है, उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम आप लोग का एनालिसिस करवाएंगे। और आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ये बताएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस राइट हुए आपके और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एयरफोर्स नेवी के रिगार्डिंग हमारे चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। चलिए गाइज, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का जो क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे जो स्टूडेंट कमेंट किए थे, वो कमेंट में बोल रहे थे कि सर डिफिनिट का एंटोनियम पूछा था और ऑप्शन में वैग्यू था, तो उन्होंने बिल्कुल करेक्ट किया। इसका राइट आंसर होगा वैग्यू। लेकिन गाइस, इसका राइट आंसर अनसर्टेन भी हो सकता है, क्योंकि डिफिनिट का अर्थ क्या होता है? निश्चित होता है। डिफिनिट का अर्थ क्या था? निश्चित होता है। और गाइज, अनसर्टेन ऑप्शन में नहीं था, अनसर्टेन आपका और वैग्यू आपका ऑप्शन में था। तो वैग्यू का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर, यानी अनिश्चित, ठीक है? इसका राइट आंसर होगा वैग्यू, ठीक है? आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है गाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइज आपका, यूनाइटेड से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? अब यूनाइटेड था, कई लोग बोल रहे थे कि सर यूनाइटेड था, और कई लोग ये भी बोल रहे थे कि सर यूनिक था। क्या जी? एक यूनाइटेड हो गया और एक आपका यूनिक बोल रहे थे। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आया होगा गाइस, उसको देख लीजिएगा। यूनिक को किस प्रकार से लिखेंगे? यूनिक को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, यूनिक, ठीक है? यूनिक लिखेंगे। यूनाइटेड को किस प्रकार से लिखेंगे जी? तो यूनाइटेड को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, यूनाइटेड, ठीक है? तो गाइज देखिए, शुरू में आपका जो आ रहा है व्यंजन वर्ण आ रहा है, साउंड जो आ रहा है गाइज आपका व्यंजन आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है? चाहे वो यूनिट रहे, चाहे आपका आपका यूनिक रहे, ठीक है? यूनिक या यूनाइटेड कोई भी रहे गाइज, उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। डेट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था गाइज आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था एनेक्सियस। अब गाइज, एनेक्सियस का सिनोनियम पूछ के रखा था, तो एनेक्सियस का सिनोनियम क्या होगा जी? अगर होगा आपका ऑप्शन में भी यही था, हमारे स्टूडेंट हमको बता रहे थे। चलेगा, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइज आपका, फुल फॉर्म ऑफ कैड, कैड का फुल फॉर्म पूछा था। क्या जी? कैड का फुल फॉर्म। तो गाइज, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइज, कैपिटल ऑफ असम, असम की कैपिटल कहां है? तो कौन नहीं जानते यार, असम का कैपिटल आपका दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइज, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी, सबसे बड़ा अंग कौन होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है गाइज? तो आपका लीवर होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? तो आपका लीवर होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द लीवर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइज आपका, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन था, खेल के क्षेत्र में 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला गाइस? करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, मैरी कॉम को मिला था, जो आप लोग के एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइस, एक एक्टिव पैसिव से, एक क्वेश्चन था गाइस आपका एक्टिव पैसिव से। तो गाइस, एक्टिव पैसिव में हैज वाला कॉन्सेप्ट आया था, जिसका एग्जाम्पल गाइस हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका ये क्वेश्चन आया था, लेकिन हमारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हैज वाला कॉन्सेप्ट आया, तो हैज से हम रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम ले लिए कि हैज हैव वाला कॉन्सेप्ट आया था। चलो भैया, एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझा दो। तो गाइस यहाँ पे देखिए, आई हैव रिटेन अ लेटर, ये तो हो गया इसका पैसिव एक्टिव जी। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेगा? जब भी गाइज आपका कोई सेंटेंस में हैव दिखे, याद रखना है नेक्स्ट बार आपका एग्जाम, क्योंकि हो सके आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हो, थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हो, तुरंत हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, हैव हो, हैज हो, हैज हो, या गाइज आपका हैड हो, तो गाइज हमको क्या करना है, इसके साथ हमको बीन को बजाना है, बीन को बजा देना है। क्या करना है? अगर हैव रहेगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो आई के साथ आपका हैव लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनता है, अगर आपका सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर बनता है, तो यहाँ पे देखिए लेटर हैव, यहाँ हैव नहीं होगा गाइज, यहाँ पे जल्दी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अ लेटर हैज बीन होगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाई
में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देखना है और बिन प्लस V3 का यूज करना है। तो आई होप कि गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर क्वेश्चन हमारे पास आए नहीं थे, जितने क्वेश्चंस गाइज आप लोग कमेंट करते हैं उतने क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आप लोग को एनालिसिस करवा देते हैं। तो गाइज आप लोग का एक काम बनता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग को करवा सके, ताकि जिनका नेक्स्ट एग्जाम है गाइज नेक्स्ट शिफ्ट में उनको हेल्प मिल सके। तो गाइज अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अभी तक अगर गाइस आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे में दिया हुआ है। कमेंट कहां करना है गाइस? कमेंट मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में करना है, जो गाइस उसका भी लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सॉरी कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एंड आपका व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग जाकर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।